मिर्जापुर से आए थे जो कि 400 किलोमीटर और ये रही इनकी गाड़ी। लेकिन मेरी एक गलती थी कि हमने इस गाड़ी को 400 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया था। तो दोस्तों आइए फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, जो कि आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि एक ब्लॉगर आज आ रहे हैं जो कि निचलौल जाने वाले हैं। वो हमसे संपर्क किए तो कहें ठीक है आइए हम मिलवाते हैं उनसे। तो वो आ रहे हैं जो कि मिर्जापुर से 400 किलोमीटर चल के, तो उन्हीं से हम आपको मिलवाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, और उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और देखते हैं और वो अपना 400 मीटर का सफ़र कैसे किए उनसे पूछते हैं। तो यहाँ पे रहे जो कि मिर्जापुर से आए थे जो कि 400 किलोमीटर, और ये रहे इनकी गाड़ी जो कि अभी पूरा यहाँ तक पूरा इतना एकदम समझिए जलन हो रही है, तगड़ा जो कि लू बोला जाता है ऐसे हो रही है, और ये इनकी गाड़ी। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इनका सफ़र कैसा रहा। तो भाई बस आप ये बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा आप मिर्जापुर से आए तो। सफ़र तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरी एक गलती थी कि हमने इस गाड़ी को 400 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया था। तो 400 किलोमीटर कंटिन्यू बोले तो मतलब 300 तक तो हमने कंटिन्यू चलाया था, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक दिया था। लेकिन कंटिन्यू चलाने से एक प्रॉब्लम ये होगा, इसका प्लग हीट होकर टूट गया था, क्योंकि अगर कोई और इतना अगर बाइक चलाना चाहता है तो थोड़ा इसका ध्यान दे, इसमें प्रॉब्लम हुई थी। और ये ऐसे टाइम पर टूटा था कि जंगल वाला एरिया था, जंगल वाला एरिया तो एक भाई था और रास्ते में आ रहे थे, उनके पास एक एक्स्ट्रा प्लग था, तो उनकी वजह से मैंने ये लगाया तो वहाँ से निकला। तो बाकी आने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी बाइक से, 400 किलोमीटर आप समझ सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन सफ़र तो अच्छा लगा है और फाइनली यहाँ तक हम पहुँच गए मिल लिए हैं धीरज भाई से। तो दोस्तों इन्होंने पूरी अपनी समस्या हमें बताई और एक जो कि मिल गया हेल्प करने वाला, जो कि इनका प्लग दे दिया। नहीं तो ये बीच जंगल में ना कोई वहाँ दुकान उकान था और ना ही कोई रास्ता वगैरह था, लेकिन एक लोग आए और इनकी हेल्प किए तो यहाँ पे आज हमारे पास आ गए, जो कि 400 किलोमीटर चल के आए थे। तो अब हम लोग जाने वाले हैं जो कि दीपू ब्लॉक से मिलने। इन्होंने कई दिनों से हमसे फ़ोन पर बात किए, मैसेज किए, कह रहे थे कि भाई आप घर देखे हो तो लेकर चलो उनके पास। तो हम कहे ठीक है आइए हम आपको उनसे ज़रूर मिलवाएंगे। तो आइए हम चलते हैं दीपू ब्लॉक के पास, जो कि इनके ब्लॉग पर इनके चैनल पे उनका पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं उनके पास। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हम अभी आए हैं निचलौल में, और यहाँ पे कुछ काम से आए थे, वो भी हमारा काम हो गया है, और यहाँ हम कुछ ब्लॉगर्स मिलवाते हैं जो कि वो भी आइए देखते हैं ब्लॉग ही बनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं उमर भाई और वहाँ पे आनंद भाई, तो यहाँ पे तीन लोग आए थे कुछ काम से, वो भी काम हम लोगों का हो गया।